अगर आप हो बिग बी तो मैं हूँ छोटा। अरे दो गोली लीजिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगा आपको। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। नमस्कार, बोल बिंदास बोल के एक और नए एपिसोड में मैं कुमार निशांत आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं बोलता हूं बिंदास, रहता हूं बिंदास और बजाता हूं बिल्कुल बिंदास। जो बेकानून के दलाल, शट अप यू धोखेबाज के वकील। जज साहब, इन्होंने मुझे देश लाइव पर बोल बिंदास बोल देखने से रोका है, कड़ी सजा दीजिए इनको। मैं कुछ कहना चाहता हूँ जज साहब। इजाजत है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलॉर्ड। आई नो, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये ता 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 ता। अरे क्या हुआ भाई, बोल बिंदास बोल देखने से रोका था, अब बोलो या खुद की बोलती बंद हो गई। ऑर्डर ऑर्डर, अरे ऑर्डर यार। हाँ, एक सादा डोसा, एक लेमन सोडा और ये प्रोसिक्यूशन पोज मार के क्यों खड़ा है? अरे तुमने तो बोल बिंदास बोल पर निशांत को सुना भी नहीं है, तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? इसको इसी पोज में छोड़ दिया जाए और इसे अदालत की तौहीन समझी जाए। नहीं जाए। एक मिनट होल्ड करने, एक मिनट। तौलिया, तौबा तौबा, तौहीन। नाइस वर्ड। हाँ प्रोसीड। नहीं जज साहब, ये गोविंद जी को फंसाने की एक साजिश है, इसीलिए गोविंद जी भी प्रोसिक्यूशन को अपनी सफाई में कुछ कहना है तो बोलो। बोल बिंदास बोल को देखने से अगर किसी ने किसी को रोका तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, और बोलती तो तभी खुलेगी जब लगेगा देश लाइव पर बोल बिंदास बोल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। कुछ भुला से गए हैं पिया का नाम, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा। अब मांगने गए थे इस्तीफा, पर किसका इस्तीफा मांगने गए थे वही भूल गए। ये कौन मोदी है? ये सुनिए, सुशील मोदी। ये कौन मोदी है? ये कौन मोदी है? ये सुनिए, सुशील मोदी, इसको हटना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत में, यहाँ पीने को साफ पानी नहीं। देश का लगभग आधा हिस्सा जो है वो अलगाववादियों की चपेट में है, पर हम खामोश हैं। हम सब चाहते हैं कि महाराणा प्रताप और शिवाजी पैदा हों, पर अपने घर नहीं बल्कि पड़ोसियों के घर। लगभग सरकार की माने तो देश में खूब विकास हो रहा है। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक का बयान, श्रीनगर में तिरंगा फहराया तो धधक उठेंगे भारत और पाकिस्तान। नक्सली कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में तिरंगा फहराया तो ठीक नहीं होगा। नागालैंड की एनएससीएन नहीं चाहती कि कोई नागालैंड में तिरंगा फहराए, तो उल्फा असम में तिरंगे का विरोध कर रही है। आजाद हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। राज ठाकरे कहते हैं कि उन्हें अलग महाराष्ट्र चाहिए और हमेशा की तरह नपुंसक दिल्ली फिलहाल खामोश है, और पटेल की मेहनत से बनाया हिंदुस्तान धीरे धीरे दरक रहा है।
चीन हमारे अरुणाचल और कश्मीर को हड़प कर बैठा है और नत्थी वीजा का ध्वंस दिखा रहा है। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि कुछ कूट विषैले सर्प यदि फुंकार करें तो क्या हमें खामोश रहना चाहिए? सिंह की दांतों को गिनते थे कभी, अब क्यों स्वान बने बैठे हैं? दुम हिलाते भागते हैं पश्चिमी हड्डी के पीछे। सभ्यता, परिवार, शिक्षा सब कहीं बिखर पड़े हैं। अपने आदर्शों की हम खुद ही खिल्ली उड़ाते हैं। व्यवसाय की ही आड़ में परतंत्रता बेची गई थी कभी, आज क्यों हालात वो फिर से बनाए जाते हैं? वीरता जनती थी कभी, बांझ वो धरती हुई है, अब नपुंसक भीरु ही बल से उगाए जाते हैं। ये मात तुम्हारी अबला सी रक्तिम आंचल ले रोएगी, कैसे फिर कल की नव पीढ़ी इस दुष्कलंक को धोएगी? सज्जन होने का अर्थ ये तो नहीं कि निष्क्रिय जीवन हो जाए। हे जननी जन्मभूमि, मुझे माफ करना, इन समझदारों की दुनिया में मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। अब खरसावां का पेंच है कुछ ऐसा कि मुंडा और गुरुजी दोनों हैं परेशान। बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस एक दूसरे को देख लेने की चेतावनी दे रहे हैं और 10 सालों की 10वीं सरकार की दशा कुछ खराब होती चली जा रही है। झारखंड सरकार की महिमा अपरंपार और खरसावां में फंस गई सरकार। जमशेदपुर का ये कैसा झोल कि बोल रहे हैं सभी गोलमोल। कांग्रेस से हैं बाबू नाराज और गुरुजी के माथे पर नहीं है ताज। ठोक रहे सब ताल हैं, निगाह पर करोड़ों का माल है। मुंडा जी मुस्कात हैं और महंगाई डाइन खाए जाते हैं। नियाज अहमद गुस्साते हैं और राष्ट्रीय खेलों के डॉक्यूमेंट्स गायब पाते हैं। अलगा भैल झारखंड अब खाई तरह सकर का। मुंबई के आदर्श सोसाइटी घोटाले में सबके आदर्शों की धज्जियां उड़ा दी। पूर्व स्थल सेनाध्यक्ष दीपक कपूर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने फौजी विधवाओं के लिए फ्लैट्स को अपने रिश्तेदारों में ही बांट दिए। अब इसका जब खुलासा हुआ तो बेईमानों का हाल कुछ ऐसा था। सोसाइटी बनी स्कैम की जगह, हाँ जगह। ये नेता भी, वो अफसर भी, सारे बने इस पाप के भागी। 2 करोड़ का फ्लैट 60 लाख में बिका, हाँ बिका। कुत्ते की तुम सीधी कैसे हो भला, हाँ भला। एक और नेता बड़े स्कैम में फंसा, हाँ फंसा। आदर्श बनी रे की वजह, हाँ वजह। घर था सबको बनवाना कारगिल मार्टर्स के लिए, झोल किया ऐसे सबको जैसे बाप का माल पड़ा था। वाट लगी अब खट खड़ी, अब कुर्सी से इनके हाथ जो सटके। चौहान ने कहा उसके मामिन लो की जगह, हाँ जगह। नेता अब दामाद बन के है फंसा। इंडिया का तो ये रूल है, सारे नेता झोल है। कॉफिन से ले गए आदर्श के घर के झोल इन्होंने किए। जहां देश में धोखे दम भर काम चोरी, हो करप्शन की बतियां, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।
बेईमान पकड़े गए। अब अगर ईमान बेचते पकड़े गए तो क्या हुआ, लपेटे हुए माल से सरकार खरीद लेंगे जी। खैर बहुत अच्छे लगे रहो सरकार। महाराष्ट्र और देश को ऐसे ही अधिकारियों और सेना प्रमुखों की जरूरत है। बोल बिंदास बोल में फिलहाल वक्त हो चला है जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे देश की पुलिस की बहादुरी का अनोखा कारनामा और घोटाला सिखाने का स्कूल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश लाइफ। अगर आप हो बिग बी तो मैं हूँ छोटा। अरे दो गोली लीजिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगा आपको। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।